नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक्निकल टेक। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हैंड पंप में मोनोब्लॉक पंप कैसे फिटिंग करें। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ये 1.5 इंची का जीआई पाइप है, वो लेंथ 20 फीट और 10 फीट का है, तो इसको साफा नहीं निकाल सकते हैं हम, दिक्कत होगा घर में है, इसके वजह से हम लोग यहां पे सिक्कड़ से लॉक किया है अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे घसकने का कोई चांस नहीं है, और मेरे पास चैन रिंच भी था लेकिन वो फेल कर रहा है, उससे बेहतर अभी सिक्कड़ है। और यहाँ पे हम खोलने के लिए इसको मैं आग धराएंगे, पूरा अच्छा तरह से पूरा प्रॉपर हीट करेंगे, उसके बाद ही खुलेगा, बिना हीट किए हुए नहीं खुल सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं लूबी मोनोब्लॉक पंप है मेरे पास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आग हम लोग लहरा रहे हैं, ये पूरा तरह से प्रॉपर हीट होना चाहिए तब खुलेगा, काफ़ी पुराना है पंप है, तो इसको अच्छा तरह से खोल लेंगे, हीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा पूरा हीट हो चुका है, और यहाँ नट के माध्यम से आप देख सकते हैं सबल लगाकर खुल रहा है। दोस्तों ये काफ़ी पुराना हैंडपम्प था, तो यहाँ पर ये थोड़ा दिक्कत हुआ है, और परेशानी ये हुआ है कि जैसे ये पाइप लगल भर में खुल रहा है, जैसे बाहर निकल जाता है तो आसानी से खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है, यहाँ पे हीट किए इसी में, उसके बाद खुला। आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अच्छा तरह से सफ़ेदी को लगाएंगे, उसके बाद धागा लपेटेंगे ताकि जो गुना का जैन होता है वो प्रॉपर भरा जाए, नहीं तो लीक होने का डर चांस रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 एक का टीप फिटिंग हो रहा है, और इसको प्रॉपर पाइप रिंच से टाइट करेंगे, अच्छा तरह से फुल टाइट होना चाहिए, जितना गुना रहता है वो गुना सॉलिड टाइट हो जाना चाहिए, नहीं तो उसमें एयर लेने का चांस रहता है। हम देख सकते हैं प्रॉपर टाइट किया जा रहा है, टाइट एकदम ढंग से करना है, नहीं तो एयर का चांस आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सफ़ेदी जो अंदर गुना में लगाया जा रहा है, गुना में लगाने से यही होता है जैसे गुना का जो घाट है उसमें वो प्रॉपर बैठ जाता है, तो गुना में इसको लगाना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से हम लोग सारा जॉइंट में लगाएंगे, उसके बाद कसेंगे। देख सकते हैं 1.5x4 इंच का ये नेपुल है, तो इसको में लगाएंगे, उसके बाद धागा लपटेंगे। गुना में लगाना एकदम ज़रूरी है, नहीं तो लीकेज का चांस आता है। जैसे ऐसे ही जैसे तैसे धागा लपेट दिए, उसके बाद यदि हम सफ़ेदी लगा रहे हैं तो वो कोई काम नहीं करेगा, पहले सफ़ेदी लगाएं उसके बाद धागा लगाएं। आप देख सकते हैं उसके बाद धागा के ऊपर से भी हल्का हल्का सफ़ेदी को लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से भी लगाया जा रहा है, बिल्कुल इसको भी प्रॉपर टाइट किया जाएगा पूरा, पाइप रिंच से पूरा प्रॉपर टाइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कसेंगे यहाँ पे फ्लेंचा, जो कल हैंडपंप का फ्लेंचा है वो कसाएगा ऊपर में। देख सकते हैं अच्छा तरह से सफ़ेदी को चिकना कर देंगे ताकि और सूख कर पकड़ बना ले। आप देख सकते हैं यहाँ फ्लेंचा में भी यहाँ पे सफ़ेदी लगाया जा रहा है, उसी तरह से उसमें भी नेपुल में भी लगा लेंगे।
इसमें भी धागा लपेट के ही कसेंगे, ऐसे कोई जॉइंट पे नहीं कसना है। उसके बाद सफ़ेदी ऊपर से भी लगाएंगे, देख सकते हैं अब प्रॉपर यहाँ पे फ्लेंचा को ऊपर से टाइट करेंगे। देख सकते हैं मेरा नेपुल अंदर से दिख रहा है, पूरा प्रॉपर टाइट हो गया है, फिर भी हम नट लगाकर सबल से टाइट करेंगे। टाइट होना चाहिए प्रॉपर, और इस रूट देख लेंगे कि कैसे कल मेरा रहेगा। और आप देख सकते हैं 1.5 KT लगा हुआ है, और उसका साइज मेजरमेंट कर जितना पर आ रहा है वो उतना पर कटिंग हो रहा है, उसी कटिंग में से पाइप निकल जाएगा। और ये फ्लेंचा है जो फ्लेंचा पर बैठकर नट बोल्ट कसा जाएगा ताकि कल हिले डोले नहीं। बहुत जगह होता है कि नट बोल्ट लंबा वाला लेकर और टाइट कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं दिखता है, उसमें कचड़ा जाने का चांस रहता है, खुला हुआ रहता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग हो गया है, और उसके बाद यहाँ पे 1 इंची कट नेपुल लग गया, उसके बाद 2 एल्बो लग गया और इस डायरेक्शन में हो गया यहाँ। और यहाँ पर मेरा मोनो ब्लॉक पंप आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनो ब्लॉक पंप का फ्लेंचा कसा जा रहा है। इसका हाइट करने का रीजन हो गया कि मोनोब्लॉक पंप जब नीचे फर्श पर रखा रहा था तो उसका लेवल नहीं आ रहा था, उसके लिए हमको इसको 4 इंची हाइट करना पड़ा, तब 1 ईंटा मोटर हाइट भी हो गया फर्श लेवल से और आसानी से वो इसमें आ जा रहा है, अब बेहतर हो गया, हाइट हो गया तो बेहतर हो गया। और मेरा हैंड पंप से थोड़ा सा दूरी पर है, आउटसाइड में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी पड़ने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों जितना पानी पड़ेगा उतना जल्द ख़राब होने का चांस रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फिटिंग हो गया है और यहाँ पे मोटर चल रहा है, मोनो ब्लॉक पंप यहाँ पे हो गया। आप देख सकते हैं इस रूट से 1.5 KT लगा कर यहाँ से GI नेपुल से आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1 एल्बो लगा, 1 एल्बो यहाँ लगा और यहाँ पे अटैच हो गया। 1 इंची का MTA ये लगा हुआ है, उसके बाद यूनियन लगा हुआ है ताकि खोल सके, उसके बाद 1 पौन का एल्बो लगा हुआ है, 1.25 इंची एल्बो लगा कर वहाँ 2 जगह लगा, उसके बाद सीधे ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं वहाँ ऊपर से इस रूट में आ गया और 1 T लगाकर 3x4 का ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। दोस्तों ये ऊपर तला में भी जा रहा है और ये नीचे में भी लगा आ रहा है, दोनों जगह गेट बल्ब लगा हुआ है।